नागपुर शहर की अवधारणा को पूरा करने के लिए अमृत योजना के तहत नागपुर शहर में पानी की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहे दक्षिण नागपुर क्षेत्र में पानी की टंकियों के निर्माण से निकट भविष्य में पूरे क्षेत्र में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाएगी। यह विश्वास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किया। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम अमृत योजना शहर के सकरदरा 2, बीड़ीपेट, आशीर्वाद नगर स्थित इंदिरा गांधी सभागृह मैदान, उमरेड रोड स्थित ताजबाग परिसर, वंजारी नगर 2, सकरदरा जलकुंभ के पास ही बनाए गए जलकुंभ के कार्य का संयुक्त भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों सम्पन्न हुआ, जिस दौरान गडकरी बोल रहे थे। गडकरी ने कहा कि शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। नागपुर शहर में पानी की कोई समस्या नहीं है। जलापूर्ति में बाधा होने से कई बार नागरिकों को समस्या होती है, जिसे हल करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। हम अधिक से अधिक संख्या में तालाबों का निर्माण कर लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेयर दयाशंकर तिवारी, विधायक मोहन मती और पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके को समय समय पर तीनों पानी की टंकियों के निर्माण के लिए बधाई दी। इस दौरान खासदार डॉक्टर विकास महात्मे, महापौर दयाशंकर तिवारी, आमदार मोहन मती, स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, स्थापत्य समिति सभापति राजेंद्र सोनकुसरे, महिला व बाल कल्याण समिति सभापति दिव्या धुर्डी, नेहरू नगर जोन सभापति स्नेहल बिहारी, हनुमान नगर जोन सभापति कल्पना कुंभलकर, पूर्व स्थायी समिति सभापति ज्येष्ठ नगर सेवक विजय झलके, नगर सेवक नागेश सहारे, नगर सेविका रीता मोये, नगर सेवक भगवान मेंडे, नगर सेविका मंगला खेकर, स्वाति आखतकर, भारती बुंडी, रूपाली ठाकुर, माधुरी ठाकरे, दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष देवेंद्र सूरी, परशु ठाकुर, रमेश चोपड़े, नीता ठाकरे, ज्योति देवघरे, ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान, सार्वजनिक आरोग्य अभियंत्री विभाग के अधीक्षक अभियंता मनोज तालिवार, उप अभियंता राजेश दुफारी आदि उपस्थित थे। वहीं इस दौरान दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के टैंकर मुक्त नागपुर की अवधारणा में अमृत योजना के तहत शहर में 43 टैंक बनाने का प्रस्ताव है। नागपुर टैंकर मुक्त नागपुर हे झालं पाहिजे या भावनेत ना खऱ्या अर्थाने अमृत योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नागपूर महानगरपालिका यांच्या समन्वयाने या शहरात 42 पाण्याच्या टाक्या ह्या बांधण्याचा विषय होता। परंतु अनेक ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा स्थानिक लोकांनी विरोध केल्यामुळं तेवढा टाका जरी होऊ शकला नाही, तरी मला अत्यंत आनंद आहे की दक्षिण नागपुरात मॅक्झिमम जास्तीत जास्त टाक्या त्या दक्षिण नागपुरातील लोकांकरता, त्यांना कुठेही पाण्याची टंचाई भासू नये या भावनेतनं आज 6 टाक्याचं काम म्हणजे रमणामोरजित काम चालू आहे। 3 पाण्याच्या टाक्याचं आज उद्घाटन माननीय नितीनजींच्या हस्ते आहे। उपलब्ध कराना है तो नैसर्गिक रूप से नागरिकों के सहयोग के बगैर हम लोग ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। और अपने मन में यह निकष स्थापित कर लेना कि यहाँ पानी की टंकी बनेगी, अर्थात यहाँ से पानी के टैंकर चलेंगे, और पानी के टैंकर चलेंगे अर्थात दिन भर मेरे घर के सामने की सड़क खराब होगी, ये शेख चिल्ली जैसे विचार मन में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। कारण नागपुर शहर नितिन जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, और नितिन जी के नेतृत्व में काम करते समय शेख चिल्ली की सारी कहानियां खत्म हो चुकी है। ये वो शहर है जिस शहर में 341 पानी के टैंकर से हम लोग पीने का पानी लोगों के घर तक पहुंचाते थे, और नितिन जी के विशेष प्रयासों के कारण जो यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसके कारण 197 पानी के टैंकर कम हो गए। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों के बाद इतने लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। बहुत कठिन परिस्थिति थी और कोविड के समय पिछले 2 साल में हमने हमारे अनेक प्रिय व्यक्तियों को, रिश्तेदारों को और कार्यकर्ताओं को गंवाया। मैं 2 महीने नागपुर में था, यहाँ समझ में नहीं आता था क्या करना। मैंने कहा था, डिक्लेयर किया था अखबार में कि जिसको भी बेड नहीं मिलेगा, कुछ अड़चन आएगी तो मेरे यहाँ फ़ोन करें। तो ये सागर कोतवाली वाले और इसके साथ 5-6 लोग रोज सुबह 8 से लेकर रात को 12 बजे तक बैठते थे। 1500-1500 2000 तक फोन आते थे एक दिन में। बेड नहीं मिलते थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, इंजेक्शन नहीं मिलते थे।
किसी को रेमेडी शिविर चाहिए करके बेचारे आंखों में आंसू आके लोग छोटे बच्चे जैसे रोते थे। बहुत कठिन परिस्थिति थी।